अब मंदार का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो फूल होता है, एक सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है, देखा है आप लोगों ने? बोलो जम के बोलो, देखा है ना? गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है वो आप मंदार का आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है आप टीवी पे देख रहे होंगे, एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख फड़क रही, कुछ गड़बड़ होने वाला, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए, आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी, आपको फंसना नहीं, परेशान नहीं। मंदार आकर सफेद आंकड़े का पुष्प भी भगवान शिव को समर्पित होकर फल देता है। लोग समझते नहीं है, मंदिर में जाते हैं, भगवान पे चढ़ा हुआ फूल, भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्री पूरे मंदिर में जहां वहां पड़ी रहती है और लोग उस पे से चलते हुए लांगते हुए निकल जाते हैं। पंच पुष्प शिव महापुराण की दो बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। यदि कोई बड़ा रोग अपने जीवन में नहीं चाहते हो, इस मुख को जिंदगी भर शुद्ध चाहते हो और इस मुख में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं चाहते हो, तो दो बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। एक, भगवान के पड़े हुए निर्माल्य पर कभी लांगा ना जाओ। दूसरा, अपने मुख में पान खाकर, गुटखा खाकर या कोई वस्तु खाकर जो मंदिर के लिए रास्ता जा रहा हो, भगवान की कथा के लिए रास्ता जा रहा हो, भगवान के द्वार पर रास्ता जा रहा हो, वहां अपने मुख से थूका ना जाए। जितने लोग पार कर कर जाते हैं उतना दोष आपको लग जाता है और आपका जीवन नष्ट हो जाता है। बीच पथ पर जिस मार्ग से भगवान शंकर का शिवालय जा रहे हो, जिस मार्ग से भगवान के मंदिर जा रहे हो, जिस मार्ग से अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक लोटा जल लेकर भी अगर भगवान के मंदिर जा रहा है, उस मार्ग पर, बीच मार्ग पर अगर कोई थूकता है और उस थूक को जितनी बार लोग लांग कर मंदिर के द्वार तक जाते हैं, उतना उतना रोग इस शरीर के अंदर बढ़ता चले जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले के समय में, आज के लोगों को तो स्मरण है कि नहीं है, पहले तो थूकने के लिए भी एक पीक दान होता था जिसमें थूका जाता था। आज के जमाने में तो आदमी पूरी पृथ्वी को पीक दान बना कर रखा है, जहां मर्जी पड़ती है वहां थूक देता है। ये श्रेष्ठता नहीं है हमारे। रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में एक बार या दो बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में दो बार चढ़ाओ, हफ्ते में एक बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में दो बार चढ़ाओ, ज्यादा बीमारी है शमी का पत्ता एक शिवजी के शिवलिंग पर, और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिवजी पर जल चढ़ाया, जैसे ये शिवलिंग इस पर जल चढ़ाया जाता है, पानी बहकर नीचे आता है तो जहां गिरता है
एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है उस पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है, तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिस कर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर महादेव।